Good morning. गुड मॉर्निंग सृष्टि. गुड मॉर्निंग अंजलि. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग शाय जी. गुड मॉर्निंग सर. कैसे हो तो? हाँ? बढ़िया बढ़िया. पीडीएफ सर आप कैसे हो? कैसे करके लाए? नहीं कर पाए सर, सिर्फ लिख पाए हैं अभी तो. नाइला को मुझे पता था तुम ऐसे ही कहोगे. सर आपके आपने क्या किया? रौनक इस बीच में सर आ गए ना. अरे आजादी से कुछ नहीं बोल रहे रौनक तो. अभी नहीं आए. ईच बच्चा करेगा. रौनक सर आपने तो जीवन प्लीज सॉलिड. रिमाइंडर मुदल पर अटेंडेंस लगा लो सर. अटेंडेंस को आज इनेबल ही नहीं है शायद. नहीं है. तुम लोग रोज लगाते हो क्या अटेंडेंस? जब याद आ जाए. हाँ डेली. अरे मैं तो भूल ही गई. मैं तो कभी नहीं लगाती. भेज देना यार उसका पेपर का कॉपी का. क्या तेरे पास नहीं है? और मूडल से कल डाउनलोड कर रहा था. सर्वर डाउन से बता रहा है कब मूडल का. रुक मैं क्या बातें हो रही हैं. अरे भेज देंगे भेज देंगे. क्या ये तो क्वेश्चन कर ले वो पूछ रहे हैं. रौनक सुन ले कि ये क्या तू बता. हां बता रौनक. क्या क्या माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन पढ़ लिया कि ये तू सबसे पूछ रहा है. तू तो बता. हां रौनक बता. मैं तो देखो ऐसा आया मैं ना कर नहीं किए मतलब समझ गया हूं. नहीं किए. हां अच्छा इतना ही सही है. इतना संक्षेप में बहुत है. बोलो बोलो. मिल गया मिल गए. अरे कौन कौन क्या क्या पढ़ लिया बता दो हमको भी कुछ माइक्रो प्रोसेसर में. क्या मजाक कर रहे कौन पढ़ रहे. क्या मजाक कर रहा है यार. किसी ने कुछ पढ़ा है क्या? यश जन आ गया वो बताएगा. पढ़ाई चलते चलते बहुत दूर चले गई है जानवी. ठीक है यशन बताएगा. यशन यश माइक खोल सकते हैं. अरे 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 कुछ नहीं पढ़ा भैया कुछ नहीं पढ़ा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने ना पढ़ा हो. नहीं नहीं जब नहीं नहीं हम मान देख के लिखना नहीं ही है तो खुद को टेस्ट क्यों करें यार. अक्षदा से अक्षदा का अक्षदा के मेरे पास कल मैसेज आया. पूछती है बहन परसों ही है ना अपना एग्जाम माइक्रो प्रोसेसर का ही है ना पहला. मैंने कहा हाँ परसों ही है. मैं पता है कल 20 तारीख समझ रही थी मैं एक दिन बाद पेपर देने वाली थी 24th को. अच्छा तो फिर तो मैडम तो पता चले ही जाता. कोई दिक्कत नहीं किया रही तो सर्वर डाउन हो गया था सर हमारे घर का. सर पूरे 2 घंटे के लिए सर्वर ही डाउन थे. 3 घंटे के लिए नेटवर्क इशू के कारण सर लोग को बहुत पागल बनाए. क्या नेटवर्क के कारण पता नहीं एंड सेम कैसे कराएंगे उसको. बहुत पागल बनाया. सब थर्ड ईयर वाले ही हैं क्या? फाइनल ईयर वाला भी है कोई? फाइनल ईयर वाले आते कहाँ हैं? आते हैं मैडम आते हैं. फाइनल ईयर वाले भी आते हैं. फाइनल ईयर वाले भी हैं शायद. कल सर ने सिर्फ मेमोरी की पीडीएफ दी थी ना सॉल्व करने के क्वेश्चंस. हाँ हाँ दी थी ना. दो दो दी थी. एक नहीं दो 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 तुमने नहीं की. मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी अपडेटेड. हाँ ठीक. मेमोरी की तो सिंपल है यार. कुछ क्वेश्चंस तो सर ने कराई दिए थे उसमें से. हाँ कुछ बच्चे थे तो वो अपन कर लेंगे.
मल्टीपेरिंग समझ में आई किसी को? To all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, bacha. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, bacho. Good morning, Anjali, beta. Good morning, Ishita. Good morning, sir. Good morning, each and everyone. So you solve the questions or not? Solve kiye sir. अच्छी बात है. मल्टी पेजिंग नहीं आया सिर्फ सर. कोई बात नहीं. वो भी कर लेंगे. ठीक है. Yes sir. Listen everyone, what I am here telling to you, listen bachcho, we discuss, first of all, good morning to all of you, we discuss here what, first we discuss the numericals, all the things, ki there are two points mainly, what, regarding to the page table, we'll discuss that numerical here also. एक तो व्हाट पेज टेबल साइज इक्वल टू क्या नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू ईच पेज टेबल एंट्री साइज ईच पेज टेबल एंट्री साइज ईच पेज टेबल एंट्री साइज एंड नंबर ऑफ एंट्रीज व्हाट नंबर ऑफ पेजेस क्लियर बच्चों क्या कितनी एंट्रीज होगी जितने नंबर ऑफ पेजेज होंगे और एक पेज टेबल एंट्री की साइज इस पे अपने काफी क्वेश्चंस आए और दूसरी बात आपको ये चीज पता पड़ गई होगी कि पेज टेबल एंट्री क्या रखती है फ्रेम नंबर प्लस अदर्स बिट हाँ या ना यस सर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है यस सर यस सर अब सुने हर बच्चा अब अपन क्या करते हैं देखो पेज टेबल की साइज बहुत बड़ी होती है मान लीजिए अपना एल ए है कितना 32 बिट ओके एंड पेज साइज है मान लीजिए 4KB ओके एंड पेज टेबल एंट्री साइज है 4 बाइट तो आप ये देखो नंबर ऑफ पेजेस कितने आ जाएंगे पहले तो
2 की पावर 32 अपॉन 2 की पावर 12 यानी 2 की पावर 20 मींस 1 मेगा पेजेस. हाउ मच? 1 मेगा पेजेस. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 1 मेगा पेजेस का मतलब समझ में आता है आपको? 20 लाख एंट्री, 10 लाख एंट्री, 10 की पावर 6, 1000 इनटू 1000, 10 लाख एंट्रीज हो गई. तो अब आप सोचो 10 लाख एंट्री में आपको कोई भी रिक्वायर्ड पेज सर्च करना हुआ तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. यस या नो? यस सर. यस सर. तो पेज टेबल की साइज थी कि 4 एमबी हो गई, बात अलग है क्योंकि वो कोई खास विशेष बात नहीं है, है ना? पेज टेबल की साइज कितनी हो गई? 4 एमबी हो गई. इधर यहां तक सबको समझ में आया? पर पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई अपने कितने 10 लाख एंट्रीज हो गई. 10 लाख एंट्रीज तो बेटा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उनको सर्च करने में. तो जैसे कैसे होती है वैसे अपन इसमें क्या यूज करते हैं? टीएलबी. क्या यूज करते हैं बेटा? टीएलबी, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर. क्या बेटा? देखो आपको उतारना तो कुछ है नहीं, ओनली समझना ही है. अरे हाँ या ना? यस सर. यस सर. समझना और न्यूमेरिकल करने. ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, ये टीएलबी रखती क्या है बेटा? फ्रीक्वेंटली यूज पेज नंबर. जैसे सीपीयू जनरेटेड रिक्वेस्ट है ना, सबसे पहले कहाँ जाएगी? टीएलबी के पास जाएगी. कहाँ जाएगी बेटा? टीएलबी के पास. टीएलबी क्या रखती है? पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर. अगर डेटा टीएलबी में मिला तो डायरेक्टली वी गो टू द मेन मेमोरी. यस या नो? और अगर यानी टीएलबी हिट हुआ तो डायरेक्टली वी गो टू द मेन मेमोरी. और अगर टीएलबी मिस हुआ कितना है एक्स, और टीएलबी में एक्सेस करने में कितना समय लग रहा है? सी. और मेन मेमोरी में एक्सेस करने में कितना लग रहा है? M. तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो जाएगा? X. जितनी बार टीएलबी में मिला तो टीएलबी प्लस मेन मेमोरी, और जितनी बार टीएलबी में नहीं मिला टीएलबी प्लस पेज टेबल प्लस मेन मेमोरी. बिकॉज पेज टेबल भी मेरी मेन मेमोरी में स्टोर होती है, इसलिए ये सी प्लस टू एम आ गया. क्लियर बच्चा? ईच एंड एवरी वन, सभी को क्लियर है? yes, sir. देखिए बच्चों, समझाऊंगा मैं पूरी एक एक लाइन, ऐसा मत सोचना बेटा. देखो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम एम होता है, पेज टेबल भी मेन मेमोरी में प्लेस होती है, तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो जाएगा? 2m. कब? विदाउट टीएलबी. कब बेटा? विदाउट टीएलबी, जिसमें 1m तो पेज टेबल के लिए और 1m फिजिकल मेमोरी के लिए. तो टीएलबी यूज की जाती है इंप्रूव द परफॉर्मेंस. ये क्या रखती है? फ्रीक्वेंटली यूज पेज नंबर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर. ये आपकी पेज टेबल से पहले एड होगी, ठीक है? अगर रेफरेंस मेरा जैसे वहां कैसे में मिल जाता तो कैसे हिट, ऐसे इधर मेरा टीएलबी में मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? टीएलबी हिट. तो डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे. अगर नहीं मिलेगा तो टीएलबी मिस, देन वी गो फॉर पेज टेबल, देन वी गो फॉर मेन मेमोरी. क्लियर बच्चा? यस सर. ये वाला न्यूमेरिकल करो जल्दी से, ये दोनों जल्दी करो. यहां तक सभी को क्लियर है? राइट डाउन इन चैट बॉक्स. वेरी गुड चेतन.
नोटेड सॉलिड yes. देखो बच्चों कितना आ जाएगा 125 यस या नो यस सर यस सर आ रहा है सभी बच्चों का यस सर कोई डाउट तो नहीं है Each and everyone, any doubt, please ask. बेटा ये आ रहा हो आपका गलत कैसे आ रहा है बच्चा सर विदाउट टीएलवी कैसे निकलता 2m ओके सर विदाउट टीएलवी यानी क्या एक तो पेज टेबल और एक मेन मेमोरी डेट्स ऑल यस सर आई बात समझ में यस सर डन बच्चा yes, sir. ये देखो ये वाला क्वेश्चन हो ही गया था अपना yes, sir. 12 into 16 वाला ये वाला भी हो गया था yes, ये भी हो ही गया था ये मैंने कल कराई दिया था yes, sir. Yes, sir. ये वाला हो गया सर ये भी हो गया होगा नंबर ऑफ पेजेस पूछा था ये देखे बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपको फिजिकल मेमोरी दे रखी है पहले आपने नंबर ऑफ पेज निकाल लिया नंबर ऑफ पेज इज व्हाट 2 की पावर 32 अपॉन 2 की पावर 12 2 की पावर 20 यानी 1 मेगा पेज क्लियर बच्चों यस सर यस सर एंड नंबर ऑफ फ्रेम भी निकालने पड़ेंगे क्यों निकालने पड़ेंगे बेटा यहाँ पेज टेबल एंट्री साइज नहीं दे रखी है बाय डिफॉल्ट वो क्या रखती है फ्रेम नंबर रखती है समझ रहे हो बात यस सर तो 64 एमबी अपॉन 4 केबी पावरों का खेल है भाई 2 की पावर 26 अपॉन 2 की पावर 12 2 की पावर 14 है ना तो एफ आपका आ गया 14 बिट अप्रोक्स 2 बाइट अप्रोक्स 2 बाइट तो पेज टेबल साइज कितनी आ जाएगी भाई नंबर ऑफ पेज इनटू पेज टेबल एंट्री साइज ठीक है तो नंबर ऑफ पेज 1m इनटू 2 बाइट तो आपका आंसर आ गया 2mb क्लियर बच्चा यस यस सर ये वाला करो जल्दी करो डू फास्ट Do it, please tell the answer. वेरी गुड
वेरी गुड बच्चों, देखो ये न्यूमेरिकल इसलिए बढ़िया है क्योंकि इसमें एल ए तो कितना दे रखा है 32 बिट है ना, और पेज साइज दे रखी है 4 KB, और पी ए दे रखा है 30 बिट, पेज साइज 4 KB। तो अपन को बताओ क्या निकालनी है, नंबर ऑफ फ्रेम निकालने हैं। 2 की पावर 30 अपॉन 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 18, तो 32 माइनस एफ, क्योंकि व्हाट दे कंटेन, एफ एंड अदर्स, एफ एंड अदर्स, दिस इज कंप्लीट 32 बिट, सो 32 माइनस एफ, तो व्हाट वी आर गेटिंग अदर्स, 32 माइनस 18 दैट इज 14 बिट। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए 12 भी दे रखा है, क्योंकि आप यहां से करोगे तो बी आएगा पी, और अगर 32 में से माइनस कर दोगे तो 12 भी अवेलेबल है, यानी गेट वाला आपको पूरा फील्डिंग सेट करके बैठा है। समझ गए बात? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। जल्दी करो जल्दी करो, 8 हुआ, जल्दी करो, समय का अभाव। क्या रहा है? सी यस, बट रिप्लाई किसी का नहीं है अभी तक। देखो बच्चों सर सी आ गया। वेरी गुड, हिट रेशियो दे रखा है आपका 90%, TLB आपका 10, मैन मेमोरी आपका 50, तो X C plus M, 1 minus X C plus 2M, क्लियर? 90% टाइम तो 10 plus 50, और 1 minus 0.90, 10 plus 100, ओके, तो यहाँ 0.90 तो 60, plus 0.10, 110, क्लियर बच्चों? दिस इज 54 प्लस 11 65, वेरी सिंपल। यस सर। क्लियर बच्चा? यस सर। जल्दी जल्दी सॉल्व करो गेट 2014 2 मार्क्स, सॉल्व इट माय डियर स्टूडेंट फास्ट। Very good. चेतन गलत हो गया बेटा, कुछ ही नहीं, बहुत ही सिंपल। TLB एक्सिस टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड, मैन मेमोरी 80, हिट रेशो 0.6, यानी इफेक्टिव मेमोरी एक्सिस टाइम कितना हो जाएगा 0.6 टाइम तो 10 प्लस 80, और 0.1 minus 0.6 टाइम 10 plus 160, ओके? यस सर। 122 ये तो कितना हुआ 54, और ये कितना हो गया 68। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कर पा रहे हो भाई गेट के न्यूमेरिकल? यस सर। डर्टी बिट किस लिए आती है? अलाउ अननेसेसरी रीड और राइट, ये क्या होती है भी बताऊंगा बेटा। खत्म पीडीएफ? यस सर। और दूसरी वाली स्टार्ट कर दी थी क्या?
यस या नो? चलो दूसरे वाली रुक के करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक क्या टीएलबी वेलबी सब क्लियर है बच्चा? यस सर। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? नो सर। राइट डाउन इन चैट बॉक्स एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर और नॉट फील आया या नहीं आया। देखो बस इसमें आपको लिखने का समय बचेगा और कुछ नहीं है, बाकी तो पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा ही। ईच एंड एवरी वन सात बच्चों ने रिप्लाई किया यार, अब MITS ग्वालियर भी ऐसा करेगा क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है ना बेटा? यस सर। यस सर। ये अपन ने न्यूमेरिकल कर ही लिए हैं। यस सर। यस सर। सर यहाँ 60 डिग्री। अभी पहले आप देखिए इन्वर्टेड पेजिंग, अच्छी बात है। इन्वर्टेड पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग क्या होती है बेटा? सुनिएगा बच्चों, अपन ने पहले टीएल पेज टेबल पढ़ी, यानी नॉर्मल पेजिंग पढ़ी, फिर अपन आ जाते हैं किस पे, टीएलबी लगा देते हैं। टीएलबी का भी काम ज्यादा नहीं हो पाता तो फिर मल्टी लेवल पेजिंग पे आते हैं अपन। किस पे? मल्टी लेवल पे। वो क्या होती है, कैसे होती है, वो सब बताऊंगा। उसके बाद अपन आ जाते हैं इन्वर्टेड पेजिंग पे, वो भी नहीं हो पाता तो अपन आ जाते हैं वर्चुअल मेमोरी पे फिर सीधे। ठीक है, अब देखो इन्वर्टेड पेजिंग में क्या होता है। अभी तक की जो पेज टेबल्स पढ़ी थी आपने, उसमें क्या था, पेज टेबल में यहाँ नंबर ऑफ पेजेस थे और यहाँ क्या थे, फ्रेम्स थे। अरे हाँ है ना? यस सर। और हर प्रोसेस की अपनी अपनी पेज टेबल होती थी, हर प्रोसेस की अपनी अपनी पेज टेबल होती थी। इन्वर्टेड पेजिंग में क्या होता है, एक ही पेज टेबल मेंटेन की जाती है फॉर एवरी प्रोसेस। वन पेज टेबल इज मेंटेन फॉर एवरी प्रोसेस। एक तरह से पहले तो ये बता दूं, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली यूज में नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब आप आगे सीखे। इसमें क्या होता है, वहां तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होती थी, जितने नंबर ऑफ पेजेस होते थे, जितने नंबर ऑफ पेजेस, और यहाँ कितनी होती है, जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। और अंदर क्या होते हैं, प्रोसेस आईडी और पेज नंबर, की कौन से प्रोसेस का कौन सा पेज है। तो बेटा इट इज नॉट पॉसिबल टू अलोकेट ऑल द प्रोसेस ऑल द पेजेस। यस या नो? दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इसमें ये ध्यान रखने का होता है कि इधर बाहर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं, और अंदर क्या होती है, प्रोसेस कौन सी है और उसका क्या पेज नंबर स्टोर है। प्रोसेस वन के 2-3 पेज है, पेज जीरो पेज वन। प्रोसेस टू का ओनली पेज 5 और पेज 6 अवेलेबल है। 3 का 2, 4 का 1, 5 का 6। अब अगर मान लीजिए प्रोसेस 4 का पेज नंबर 0 या 2 की रिक्वायरमेंट आती है तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। समझ रहे हो? और ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अपना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं होता है। देखो, टू अवॉइड द ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग फॉर पेज टेबल फॉर एवरी प्रोसेस, इन्वर्टेड पेज टेबल इज यूज। इन इन्वर्टेड पेजिंग ओनली वन पेज टेबल इज मेंटेन। अरे म्यूट करो ना यार, किसके यहां से कौन था ये उड्डंत बालक? आ रहा हूँ, सुधर जा बेटा। मैं नहीं था सर, जो भी था प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय वेस्ट नहीं करेंगे। इन द इन्वर्टेड पेजिंग ओनली वन पेज टेबल इज मेंटेन फॉर ऑल द प्रोसेसेस। ओके, इट इज ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉट प्रैक्टिकली यूज, बिकॉज सर्चिंग टाइम फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोसेस विल बी मोर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, की हाउ मेनी नंबर ऑफ एंट्रीज आर देयर। तो सारी प्रोसेस डालना मुश्किल नहीं हो सकता ना, मतलब कि लाइक कैसे डालेंगे सारी प्रोसेस को। मैं भी तो ये कह रहा हूँ भाई, थियोरेटिकली है, नोट वोट लिख रखा भाई, समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ पेजेस फ्रेम्स होंगे। नाउ प्लीज यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, डोंट सी इन नोटबुक पीडीएफ।
टेल मी बच्चों, बताइए आंसर। हो गया सर, हो गया सर, बड़ा आंसर ओनली चार ने दिए, दे दिया सर। डन बच्चा, ईच एंड एवरी वन। देखो बच्चों, 8 MB और 256 KB, यस या नो? यस सर, यस सर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट किसी भी बच्चे को, किसी भी टाइप का? ये आपके आंसर हो गए। अब ये देखो, कुछ नहीं इसमें समझा ही रखा मैंने, बाकी तो है ना, हालांकि मैंने आपको भी भेजी है, कोई बात नहीं, मैं इसको इसमें आगे समझाऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। अब सुने, लिसन बच्चों, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वर्चुअल मेमोरी, ठीक है बच्चों? क्या वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है बेटा? एक और कॉन्सेप्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग था क्या उस पीडीएफ में? नो सर, ये आपने देखा ही नहीं? देखा सर, नहीं था सर। हाई पेजिंग एक्टिविटीज कॉल्ड थ्रेशिंग। चलो कल पढ़ा दूंगा इसको तुम्हें, डोंट वरी रे, ये पेज फॉल्ट से रिलेटेड ही है। अब सुने, एक होता है वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट। क्या बेटा? क्या होता है वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी नथिंग, इट्स ए इल्यूजन टू द प्रोग्रामर। इट्स ए इल्यूजन टू द प्रोग्रामर दैट प्रोग्राम ऑफ लार्जर साइज, प्रोग्राम ऑफ लार्जर साइज कैन बी एग्जीक्यूट ऑन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। लाइक 100 KB के प्रोग्राम को 40 KB की फिजिकल मेमोरी पे लोड कराना, एग्जीक्यूट कराना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। 100 KB के प्रोग्राम को 40 KB की मेन मेमोरी पे एग्जीक्यूट कराना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। क्लियर है बच्चों? फॉर एग्जांपल, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 चौबीस एंड 25। क्लियर? ऐसे आपको आ गया? यस या नो? यस सर। और आपके पास फ्रेम कितने हैं ओनली? दस। 4 KB की में बांटा ना मैंने, ये 100 KB का प्रोग्राम था, ये 4 KB मैंने लिया है, 2 की पावर में लेते हैं, 4 KB मैंने लिया है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों?
चार चार के बी के 25 पेज, और इसमें कितना आ जाएगा बच्चा? 10 पेज, चार चार के बी के 10 फ्रेम यहाँ तक। अरे इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वाला था क्या जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी, उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वाला था क्या? अरे जो पूछ रहा हूँ बताइए ना बेटा। नहीं था सर। हाँ? फ्रेगमेंटेशन की थ्योरी बोले ना सर। अरे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मेरे भाई, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं सर, नहीं था, नहीं था सर। सर ये तीनों पीडीएफ में नहीं था सर। नहीं था? किसी ने पढ़ी तीनों पूरी? यस सर, यस सर, यस सर। चलो सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। जो पहली वाली पीडीएफ है उसको लास्ट वो ऐसा समझाया है, मतलब किसी को आपने समझाया होगा तो वो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया लास्ट तक पहली वाली पीडीएफ में। कोई बात नहीं, पहले अपन थोड़े से क्वेश्चन कर ले एक आधे और। यस सर। हैं, लिखो क्वेश्चन, ये करने ही पड़ेंगे भाई, है ना। कंसीडर ए सिस्टम having a page table entry 4k, kitne 4k, la is 29 bits, what is the pa if this system contain फाइव ट्वेल्व फ्रेम्स कीजिए। सर एले कितना है? 29 बिट्स। कितना आ जाएगा बेटा? वेरी गुड आरव। हाँ हवा में भी हो जाएंगे, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चंस। देखो बच्चों कुछ भी नहीं है, समझना मेरी बात। क्या नंबर ऑफ एंट्री दे रखी है 4K, यानी नंबर ऑफ पेज है 4K, तो P कितना आ जाएगा 12 bits, और LA दे रखा 29 bits, सिंपल सी बात है, तो D आपका आ जाएगा 17 bit, क्लियर। यानी पेज साइज कितनी आ जाएगी 2 की पावर 17 बाइट, यानी 128 KB, क्लियर। उसके बाद PA चाहिए, फिजिकल एड्रेस, LA तो हो गया, अब PA क्या होता है? F and D. तो बेटा 512 फ्रेम दे रखे हैं अपन को, 512 फ्रेम्स, यानी 2 की पावर 9, क्लियर। तो 9 ये 17 ये कितना हो गया 26 बिट, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ईच एंड एवरी वन राइट डाउन इन चैट बॉक्स। अगला क्वेश्चन लिखिए।
LAS equal to 2 की पावर 18 बाइट, PS equal to 2 की पावर 16 बाइट, पेज साइज 512 बाइट। क्लियर है? रहाना तो बोल दिया करो सर। द पेज टेबल एंट्री साइज 2 बाइट, हाउ मच? 2 बाइट। The memory is byte addressable. Clear? Memory is byte addressable and the page table entry contain other informations. Like 1 bit for valid invalid, 1 bit for valid invalid, 1 bit for reference, 1 bit for dirty bit, and 3 bit for page protection. Clear? Yes, sir. How many bits are still available to store additional information? Kijiye bachcho, kijiye. Each and everyone do it. सर लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ सर? पहले करो फिर बताऊंगा। समझ गया चेतन अमन, आंसर इज रॉन्ग बेटा। सही है क्या? रॉन्ग। साइज तो नहीं पूछी ना। अरे अभी इसी टाइप का क्वेश्चन किया था यार आप लोगों ने भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? गेट का किया था ना, वो 12 या 14 आंसर आ रहा था। 14 आ रहा था। हाँ जो भी आ रहा था, करो ना इसको भी। अमन रॉन्ग।
पहुंच गया सर, फिर से ट्राई कर लेते हैं। सर आप सही है? नहीं। यस जैन का आंसर करेक्ट है, सृष्टि का करेक्ट है बस। क्या आ रहा है बेटा, ये उल्टे सीधे आंसर काहे दे रहे हो, टेंशन और बढ़ा रहे हो मेरा है? ये उल्टे सीधे आंसर क्यों दे रहे हो? 8, 11, 10, 3 इज द राइट आंसर बेटा। देखो कैसे आएगा। खांसी हो गई यार, पता नहीं। एलएस कितना है भाई? रौनक यस सर, एलएस कितना है सर? 2 की पावर 18 वाइट। पीएस कितना है? 2 की पावर 16 वाइट। पेस साइज 512 वाइट। कितना? 512 बाइट। पेस टेबल एंट्री साइज 2 बाइट। क्लियर बच्चों? तो ये देखो, सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम निकाल लेंगे। कितने आ गए? 7। यस सर। तो एफ आ गया मेरा 7 बिट का। क्लियर? आपसे पेज टेबल की साइज तो पूछ ही नहीं रहा यार। अगर पेज टेबल की साइज पूछता, देखो मैं थोड़ा सा और बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन को मिसगाइड भी कर देता हूँ आपको। नंबर ऑफ पेज कैसे निकाल लेंगे? 2 की पावर 18 अपॉन 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, यस या नो? 512। तो अगर मेरे से पेज टेबल की साइज पूछता, सॉरी बच्चों, सर आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो अपन कर देते 2 की पावर 9 इंटू कितना है पेज टेबल एंट्री साइज 2 बाइट, तो आपका आंसर आ जाता 1 KB, जो आप बोल रहे हो कई जगह 10 बिट। ये नो बेटा, ये तो टोटल पेज टेबल की साइज आ गई। क्या बेटा? टोटल पेज टेबल की साइज आ गई कि भाई एक पेज टेबल है जो 2 बाइट की है,
ऐसे कितने पेजेज है, टोटल 2 की पावर 9 पेजेज है, यस या नो? लेकिन कवि क्या चाहता है, कवि खेलना कुछ और ही चाहता है। ये जो एक पेज टेबल है जो 2 बाइट की है ना, जो 2 बाइट की है, कितने बाइट की, 2 बाइट यानी 16 बिट की है, उसके बारे में बात करना चाहता है कि एफ ओ 1 बिट फॉर रेफरेंस, 1 बिट फॉर डर्टी बिट, 1 बिट फॉर प्रोटेक्शन, 3 बिट फॉर एनी अदर एंड अदर्स। तो एफ मेरा कितना है, 7 बिट, तो कितनी बचेगी अदर्स के लिए, अभी तो कराया था यार, 16 - 7 + 1 + 1 + 1 + 3 अरे मेरे भाई भूपेंद्र का 3 आया था, मैं बता दूं यार। अरे सर मैंने यहाँ पे जो यस जैन सृष्टि भूपेंद्र ये 3 ही बच्चों का सही आया है, जितने भी बच्चे हैं यहाँ मैंने 5 वो लिख, समझ में आ गई बेटा बात? अरे हाँ या ना। अब ये भी चीज भी समझ लो, ये रेफरेंस बिट किस लिए काम में आती है कि पेज इनिशियलाइज हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वो मेरे पास न्यूमेरिकल भी है। और मॉडिफाइड बिट का मतलब होता है डर्टी बिट, कि डेटा मॉडिफाइड हुआ है नहीं हुआ। अरे आप सुबह वैल्यू लेने गए 10 किलोमीटर दूर, एक्स की वैल्यू थी 50, कितनी 50, आप दोबारा 2 घंटे बाद गए, एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिली 50, दोबारा 4 घंटे बाद गए, आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिली 50। आप बोलो यार परेशान हो जाता हूँ यार, बता देना कि मॉडिफाई हुई है तो आऊंगा नहीं तो नहीं आऊंगा, समझ रहे हो बात? अरे यार सीओए में भी तो कराया था डर्टी बिट और क्लीन बिट, सर और एक होता प्रेजेंट या एब्सेंट बिट, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दैट इज माय वैलिड और इनवैलिड बिट, वैलिड और इनवैलिड बिट। और एक होता प्रोटेक्शन बिट, क्या बच्चा? प्रोटेक्शन बिट। अगर लिनक्स में एक कमांड याद है तो यूज करते हो chmod rwx। इस वाले में वर्चुअल एड्रेस क्यों छोड़ दिया है? यस सर, यहाँ पर 16 के लिए 18 की बजाय पूछता है भारत, है ना? ये जो पेज एंट्री साइज है वो 2 बाइट है ना बेटा, ये तो नंबर ऑफ, अरे नहीं सुन तो सही, ये नंबर ऑफ पेजेस बताता है। ये इसलिए लिया है क्योंकि एफ चाहिए होगा मेरे को, एफ क्योंकि अंदर मामला एफ का है। यहाँ देखो एलएस वाला भी लिया है मैंने, एलएस वाला भी लिया है, देखो तो सही, पर वो क्या बताता है, नंबर ऑफ पेजेस बताता है बेटा ओनली। सर वो ये पूछ रहा है ये 16 कहाँ से आया? ये 16 पेज टेबल एंट्री साइज है बेटा, 2 बाइट की, समझ रहे हो? Yes, और 2 बाइट बोले तो 16 बिट बोलते देसी में। आ गई बात समझ में? केतन, चेतन, यस सर, क्लियर है? नो सर, सर उस क्वेश्चन में भी हमने सेम यही प्रोसेस करी थी ना, पर उसमें हमने सर लॉजिकल एड्रेस की बिट ली थी, यहाँ पर ये जो 16 लिया ना हमने उस क्वेश्चन में बोले तो, जो आज गेट वाला किया था उस वाले में, yes, तो 32 माइनस 18 वाला, तो उस टाइम नींदों में था बेटा, तो उस टाइम नींदों में था, ठीक है, और मैं अपनी खांसी संभाल रहा था। देख बेटा टेंशन नहीं लेने का, हाँ बोल बेटा। यस सर, यहाँ पर ये जो 32 बिट दे रखा है, ये वर्चुअल एड्रेस दे रखा है। 2 + 2 4 होते हैं, कितने होते हैं बेटा, बोल 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 बोल, 4 और 2 × 2 भी क्या होते हैं, 4 और 3 + 3 क्या होता है, 6, 3 × 3 क्या होता है, 9। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या ज्ञान देने लग गए यार, पढ़ाना क्या था, पढ़ा क्या रहे हो बेटा, हियर प्लस और मल्टीप्लाई आर इक्वल, सो यू कांट से दिस इज अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ कोइंसिडेंस, बट हियर प्लस एंड मल्टीप्लाई आर नॉट इक्वल, क्लियर बच्चा? अरे कहने का मतलब है, इधर मेरा वर्चुअल एड्रेस भी 32 बिट था और पेज टेबल एंट्री साइज भी 32 बिट थी, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, मैंने तो पेज टेबल एंट्री ही ली थी। सर मैं यही बोल रहा था सर उसको, नहीं वो माहौल बना के समझाना पड़ता भाई, नहीं तो लंबा याद नहीं रहता है, समझ रहे हो? समझ में आया बेटा? यहाँ देखो मैंने लॉजिकल एड्रेस नहीं लिया, मैंने ये लिया और 32 में से F इसलिए माइनस किया क्योंकि पेज टेबल एंट्री है
है ना। अब सुन इसको थोड़ा सा और खेद देता हूं मैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने आ जाएंगे, 2^32 / 2^12 / 2^20 1 मेगा, हाँ या ना। Yes, sir. अब सुनना बच्चों, यानी पेज टेबल की साइज कितनी आ जाएगी, 1 MB × 4 byte, 4 MB। अभी तक अपन ये क्वेश्चन करते आ रहे थे, इसमें पता है क्या था, ऐसे कितने पेजेस थे, 1 मेगा पेजेस थे, अरे हाँ या ना। Yes, sir. और एक एंट्री की साइज कितनी थी, 4 byte, यानी 32 bit थी, समझ रहे हो, जिसमें F आता है और बाकी अदर्स इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो F इसमें 18 bit का था, F इसमें 18 bit का था, तो अदर्स कितना हो गया था, 14। इधर LA नहीं लिया बेटा मैंने, समझ रहे हो, ये पेज टेबल एंट्री है, ये व्हाट, पेज टेबल एंट्री साइज है बच्चे, मेरी बात सभी को समझ में आई होगी, आई तो हाँ करें, यस सर, क्लियर है, आगे बढूं, यस सर, मजा आ रहा है, यस सर, फुल, यस सर, वेरी गुड, यही से सर सब कंफ्यूज हो गए थे, नहीं नहीं ना, कंफ्यूजन नहीं बेटा जीवन में, मेरा ये आंसर गलत आया था, काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया था, नहीं मेरा ये गलत आया तो मैं उसको जाके देखा था, उसके बाद मैं इसका देखा अच्छे से, तो मेरे को फिर यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज, चलो बढ़िया आना चाहिए भाई, आप देखो CH मोड कमांड होती परमिशन के लिए, किस टाइप की प्रोटेक्शन है, R, रीड राइट और ऑल, आप देखते हो कई जगह आपने ऐसे लिखा होता CH मोड 777, अरे हाँ तो बोलो, पता है क्यों लिखते हो, उसको पूरी परमिशन देने के लिए, तीन जने होते हैं, एक तो ओनर, एक ग्रुप, एक अदर्स, ठीक है, ओनर को, ग्रुप को और अदर्स को, तीनों जने फुल परमिशन, ये 7 का मतलब पता है क्या है, रीड राइट एक्स 111, 1 2 4, 2^0 / 2^1 / 2^2, समझ में आई बात, इसलिए देते 7, और तीन बार क्यों देते, तीन जने होते हैं, ओनर, ग्रुप और अदर्स, फॉर एग्जांपल आपकी एमपी में कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है भाई, RGVP, एग्जांपल समझना पहले, तो RGVP तो हो गया ओनर, कौन हो गया, ओनर, और उससे रिलेटेड कॉलेज है, मेडिकैप, GSIT, जो भी है, आई डोंट नो विच वन में है ना, या कौन सा, क्रॉम्पटन, कौन सा था, ओरिएंटल, ओरिएंटल है ना, हाँ जो भी है, वो हो गए इसके ग्रुप, और यू एंड मी, आप जैसे लोग हो गए अदर्स, कि जो रिजल्ट आता है तो रोल नंबर डालते हैं और अपना रिजल्ट देख लेते हैं, खत्म कहानी, समझ रहे हो बात, तो ऐसे परमिशन दे दी जाती है, कई बार तो CH मोड 76764, यानी ओनर को सारी, ग्रुप को रीड और राइट की, सब चीज नहीं कर सकता, और गरीब लोगों को ओनली रीड की, यानी आर की, यस सर, समझ गए, तुम अपना रिजल्ट डालो, रोल नंबर डालो, रीड कर लो, खत्म कहानी, ये नहीं कि अपना वैल्यू ऑफ मार्क्स जाके अपडेट करके आ जाओगे, समझ में आई बात, यस सर, तो ये सारी एक्स्ट्रा बिट्स अपनी कहां स्टोर होती है, पेज टेबल में, एक न्यूमेरिकल उससे कराऊंगा अभी मैं, क्लियर बच्चों, यस सर, अब सुनो, अब सुनो, देखो बेटा, आपको पता है कि भाई पेज साइज जो है, पेज साइज हमेशा 2^2 में होती है, क्या बेटा, 2^n में होती है, हाँ या ना, 512 बाइट से लेके 16 MB तक का पेजेस है, लेट सपोज मैं लेता हूँ पेज साइज 4 KB, कितने बच्चे, 4 KB, अरे यार मेरा कंट्रोल पेज साइज पे है, अब जो बम आके फूटेगा उस पे थोड़ी है मेरे पास, कहने का मतलब अगर मेरी प्रोसेस 16 KB की आ गई तो कितने पेज आ जाएंगे भाई, 4, हाँ बोलो, यस सर, अगर 17 KB की आई तो लास्ट वाला पेज जो है वो पूरा बढ़ जाएगा, वो 1/4 खाली, 1/4 भरा रहेगा, अगर 18 KB की आती है वो 1/2 भरा रहेगा, 19 की आई तो वो 3/4 भरा रहेगा, और 20 की आई तो वो कंप्लीट फिल हो जाएगा, पेज नंबर 5, हाँ या ना, यस सर, और जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 1 2 3 4 ओके, पर नंबर 5,
क्लियर। तो यानी पेजिंग में क्या होता है बेटा, एक तरह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग सफर फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब आप तुरंत बोलने लग गए कि सर मैं नहीं खेल रहा आपके साथ, क्या नाटक लगा रखा है। कभी फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए आपने बोला था पेजिंग यूज करते हैं, और अब कह रहे हो पेजिंग में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। बेटा हमेशा नहीं होता है और हर प्रोसेस में नहीं होता, ओनली लास्ट पेज में होता है, वो भी पी बाई टू। वो भी कंसिडर किया जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एज ए पी बाई टू। समझ में आई बात? हर बार पी बाई टू ही लेते हैं सर। एवरेज पी बाई टू एवरेज। हाँ, वेयर पी इज द पेज साइज। समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्लियर है कि पेजिंग में जो होता है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, वो भी कितना होता है? पी बाई टू होता है। क्लियर है? यस या नो? यस सर। तो उतारिए जल्दी से, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। डन बच्चा? तो थोड़ा सा रह गया। पर वैसे ये तो बहुत कम रहते होंगे, लाइक लास्ट वाली प्रोसेस ही तो बस, मतलब लास्ट वाला जो ब्लॉक है बस वही कवर कर रहे हैं। यस, ओनली लास्ट वाला ही रहता है। डन सर। करे? यस सर। यस सर। करो स्टार्ट। अब एक क्वेश्चन देखे जल्दी से, बहुत बढ़िया है, सुनिएगा बच्चों। तो एक बार बताओ यार, कितनी ओवरहेड रहेगी, क्या ओवरहेड रहेगा, व्हाट इज द मेमोरी ओवरहेड? एक तो क्या, एक तो पेज टेबल नाम की बीमारी को मेंटेन करना, अरे हाँ या ना? सर। प्लस पेज, यानी पेज टेबल की साइज, प्लस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेजिंग। यस या नो? यस सर। ये दो मेन प्रॉब्लम रही ना, ओवरहेड, ओवरहेड यानी बर्डन या एक्स्ट्रा। क्लियर है सर? क्वेश्चन लिखे, पीएसयू में भी आया हुआ है। Consider a system where LA is equal to PA is equal to S byte page size P byte page table entry size e byte, then what is the optimal value of page size by minimizing
the memory overhead of minimizing by minimizing the memory overhead of maintaining page table size and internal fragmentation in paging. Karam start P equal to root 2 S E square, P equal to root 2 S square E, C equal to P equal to root 2 S E, D equal to P 2 S E ka square. कीजिए बच्चों आंसर दीजिए. क्या रहा आंसर बेटा? ईच एंड एवरी वन राइट डाउन इन चैट बॉक्स व्हाट इज द आंसर. बच्चों समझ में आ रहा है यहाँ तक के कंसेप्ट? यस सर. यहाँ तक सब चीज जो क्लियर है बताइए. सर ये ओवरहेड एक बार और बता दीजिए. क्या ओवरहेड? कराऊंगा अभी. देखिए बच्चों कराऊं? देखो मैंने आपको क्या बताया, क्या पहले पेज टेबल की साइज निकाल लो. कैसे निकालोगे?
नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकाल लोगे? एल एस अपॉन पेज साइज, एल एस कितनी है बेटा? और पेज टेबल साइज पी वाइट, तो पेज टेबल साइज क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू ईच पेज टेबल एंट्री साइज। एस बाई पी इंटू ई। क्लियर है? यस सर। यहां तक समझ में आ गया? ये मेरी पेज टेबल साइज आ गई। तो यार एक तो इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा, यस या नो? यस सर। और दूसरी किसको मेंटेन करना पड़ेगा? पेज टेबल साइज प्लस इंटरनल फ्रेगमेंट। यस सर। तो एस ई बाई पी प्लस पी बाई टू। और ऑप्टिमल वैल्यू चाहिए पेज साइज की, तो ऑप्टिमल के लिए आपको इतिहास गवाए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कर देंगे पी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? पी के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? माइनस एस ई अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन बाई टू। और अपन इसको डी अपॉन डी पी इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? एस ई अपन पी स्क्वायर प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। तो पी स्क्वायर इक्वल टू टू एस ई आ गया बेटा। सो पी इक्वल टू रूट टू एस ई हो जाएगा। मेरे छोटे भाइयों और बहनों, सबको ये बात समझ में आ गई है? काइंडली एक्नॉलेज। चेतन, केतन, आपको ये बात समझ में आ गई है बेटा? राइट डाउन इन चैट बॉक्स ईच एंड एवरी वन। आया मजा ईच एंड एवरी वन? यस सर। एस लिखा हुआ ना लास्ट में है? एस। क्या कह रहा बेटा? सर ऊपर कर दीजिए स्क्रीनशॉट लेने। जी बच्चों, मैं इसको जूम आउट ही कर देता हूँ। Done everyone? Yes sir. करें स्टार्ट? Yes sir. नेक्स्ट देखो वर्चुअल मेमोरी। तो देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है बेटा? वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन है प्रोग्रामर का कि लार्जर प्रोग्राम को स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी पे एग्जीक्यूट कराना। इट इज इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग, विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग। ये कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैं आपको पहले समझा देता हूँ, सुनिएगा हर बच्चा प्लीज, है ना? मान लीजिए मैंने आपको पहले ही सिखाया था अभी, क्या आपके पास, हर बच्चा सीखेगा यार, 100 केबी का प्रोसेस है और 40 केबी की मेन मेमोरी है, हाँ या ना? यस सर। यानी 25 पेजेज है और 10 फ्रेम है, बहुत नाइंसाफी है, यस या नो? यस सर। तो फिर भी अपन इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। इट इज द इल्यूजन बट इट इज इंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ डिमांड पेजिंग। फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू देने जाते हो, वहां दो चेयर होती है, या वाईवाई देने जाते हो, दो या तीन चेयर होती है, उन तीन चेयरों पे तुम्हारे 30 बच्चों को सलटा देते हैं रेस्पेक्टेड टीचर। यस या नो? कैसे करते हैं? पहले जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनका नंबर आया, उन तीन को बुलाया, उनको जो भी पूछना है, बेइज्जती करनी है, डांटना, भगाना है, जो भी करना कर करा दिया। फिर नेक्स्ट दिन को बुलाएंगे, फिर अपनी भड़ास निकालेंगे या पूछेंगे, जो भी है। तुम अगर नालायक हो तो तुम्हारे पे गुस्सा तो करेंगे ना, बुरा मत मानना इस बात पे, ठीक है? क्लियर है बच्चों? नहीं तो कोई टीचर किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहता है कभी, ध्यान रखना। दुनिया में दो ही ऐसे प्राणी है जो आपको भला चाहते हैं, पूछो कौन? सर एक तो माँ बाप, एक टीचर। अब ये मत सोचना आ रहा हो रौनक तुम लड़ाई कर लोगे, भाई तू ही मेरा दुश्मन है, आज से बात बंद है, ऐसे मत सोचना, ठीक है?
कहने का मतलब है कि वो वास्तव में चाहते हैं, दोस्त भी चाहता है, लेकिन दोस्त ये भी चाहता है कि मेरी भी तरक्की हो, समझ रहे हो। आज रोज BMW ओडी ओडी निकल रही है, अगर गलती से आपका फ्रेंड जो दोस्त है आपका वो गलती से वो ले आया कौन सी अपाचे या कोई सी भी गाड़ी ले आया, 2-व्हीलर 4-व्हीलर FG ले आया, आपका दिमाग घूम जाएगा, समझ रहे हो बात। रोज हार्ले डेविडसन पता नहीं कितनी निकल रही है, आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चिन्ने बार फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो बच्चों। Yes, तो आज के जमाने में वो सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है, ध्यान रखना। है ना। सुने अब आप सुने, तो अपने पास यहाँ कितनी एंट्रीज होगी, 25 एंट्रीज होगी, कितनी बेटा 25 एंट्रीज। आ जाओ बैक टू द टॉपिक, ठीक है। पेज टेबल में 25 एंट्रीज होगी, यस या नो। तो अभी अपन 10 पेज इनिशियली लोड करा देंगे, वो प्रेजेंट है, दैट इज आइडेंटिफाई बाय वैलिड बिट, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और जो प्रेजेंट नहीं है दैट इज इनवैलिड, क्लियर। तो डिमांड पेजिंग का मतलब क्या होता है, उन्हीं पेजेस को लोड कराना जिनकी डिमांड है, उन्हीं पेजेस को लोड कराना जिनकी डिमांड है, क्लियर है। और एक होती प्योर डिमांड पेजिंग, प्योर डिमांड पेजिंग का अलग ही स्वैग है। अपन को पता है भाई अपने पास 10 पेज है, 10 फ्रेम है, पेज कितने हैं 25, लेकिन अभी चार ही पेज की डिमांड है, कितने की, चार ही की, तो चार ही लोड कराऊंगा फिर भी खाली पड़े, समझ रहे हो बात। यानी एक तो खाली आज जा रहे हैं, सामने वाले के पास पिस्टल है फिर भी दादागिरी अपन ही लगा रहे हैं, समझ रहे हो बात। यस सर। भाई भिंड में मुरैना में बहुत चलता तुम्हारे कट्टा वट्टा, है ना। यस सर। हाँ, वो मेरे कई काफी फैकल्टीज है जो आजकल किसी और प्लेटफॉर्म पे भी है, तो वो भिंड और मुरैना उरैना के, बोला सर आओ कभी भिंड बताते हैं। बोला ऐसा क्यों, बता क्या होता है सर ऐसा, आप यानी अमिताभ नहीं, वो वैसे मेरे को नहीं बुला रहे थे, वैसे बुला रहे थे कि बुलाओ उसको कभी भिंड, कोई बात हो जाती थी। बोला यार आप तो अमिताभ के जैसे गुजरात का ऐड कर रहे हो, आओ कुछ दिन गुजारो गुजरात में, ऐसा नहीं है वो। बोला सर अलग ही कहानी है वहाँ की, चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा फेमस वहाँ के हैं, तुम्हारे को नहीं बोल रहा भाई मैं, बुरा मत मानना। शादियों में तो एक आदमी चल जाता है। क्या शादियों में एक आध फायर नहीं होया था, मजा नहीं आया था। वो तो यूपी में भी होता ही है यार फायर। तो मेरे को यूपी में पहली बार सरप्राइजिंग लगा, मैं लखनऊ या कानपुर दो जो, हाँ लखनऊ गया था शायद, तो मैं बस स्टैंड पे जा रहा था, वोल्वो थी मेरी, तो वहाँ एकदम गनों की दुकान थी कि यहाँ देसी कट्टे चमनचे रिवॉल्वर की गोली ये वो बुलेट ये सब मिलती है, और लाइन से दुकानें थी। मैंने उस टाइम फोटो भी खींची, बोला यार ये सही है, सरेआम बिक रही है यहाँ तो, है यहाँ तो पता नहीं कहाँ मिलती है, पूरा स्टॉक मार्केट। हाँ वहाँ तो पूरी लाइन से 15 दुकान है देसी उच्च क्वालिटी की कट्टे। बोला यार कट्टे में भी क्वालिटी है। फिर तो पुण्य जैसा ही होगा, हाथ में पड़ जाएगी। बोला भाई ड्राइवर को, बोला भाई जल्दी चला तो यहाँ से गाड़ी। भंडार टाइप का हो गया होगा सर। हाँ वही था एकदम। देखे अब कहने का मतलब है भाई कि 25 पेज है और 10 फ्रेम है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पेजिंग और प्योर डिमांड पेजिंग। देखो मजाक मजाक में कंसेप्ट समझ में आना चाहिए भाई। प्योर डिमांड पेजिंग का मतलब क्या है कि उन्हीं पेजेस को लोड कराएंगे जिनकी डिमांड है। देखो डिमांड और प्योर डिमांड पेजिंग में फर्क क्या है, डिमांड में इनिशियली 10 पेजेस लोडेड है 0 से 9 तक। अब जिनकी डिमांड आएगी, लेट सपोज पेज नंबर 16 की डिमांड आई, तो 16 को लोड कराएंगे, ठीक है। लेकिन प्योर डिमांड पेजिंग में मान लीजिए चार ही पेज चाहिए मेरे को, 4, 11, 16 और 25 या 21, तो इन्हीं को लोड कराऊंगा चार को, बाकी खाली पड़ा रहेगा। समझ में आ गई बात। यस सर। अच्छा डिफॉल्टर कौन होते हैं, लोन डिफॉल्टर, अरे बताओ कंसेप्ट समझाऊंगा भाई। जब पेज फॉर्म नहीं हो, मतलब कि जब नहीं कर रहे हैं, गलती से आ गए, क्या गलती से आ गए। डिफॉल्टर कौन होते हैं, डिफॉल्टर वो होते हैं जिन्होंने लोन लिया, जो घर और पता बताया, अरे नीदिया बात अलग है, जो घर और पता बताया वहां वो पाए नहीं जाते हैं, डेट इज कॉल्ड डिफॉल्टर। ओके क्लियर है। तो कहने का मतलब है यहाँ भी क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी आपको एक्स पेज को चाहिए एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो सबसे पहले आप सर्च करोगे कि वो पेज अवेलेबल है या नहीं है, कहाँ अवेलेबल है, मैन मेमोरी में, कहाँ या फिजिकल मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में यानी फ्रेम में अवेलेबल है या
नहीं है। अगर वो मिल जाता है दैट इज कॉल्ड हिट, दैट इज कॉल्ड हिट। अगर नहीं मिलता है, इफ इट इज नॉट अवेलेबल, देन इट इज पेज फॉल्ट, देन इट इज पेज फॉल्ट। क्लियर है बच्चों? यस सर। थैंक यू। दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, उस रिक्वायर्ड पेज को लाऊंगा, हाँ या ना? कहां से? लॉजिकल मेमोरी से, और मेन मेमोरी में लोड कराऊंगा और पेज टेबल को अपडेट करूंगा। ये सारा समय क्या कहलाता है? पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। क्या कहलाता है? पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। अब देखो एक एक लाइन पढ़ो यार, प्लीज एक एक लाइन पढ़ो, मैं शांति से बैठा हूं। Yes, sir, complete. Yes, sir, done. क्लियर है बच्चों? देखो यार, सीपीयू इज ट्राइंग टू एक्सेस द पेज, बट दैट पेज इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। तो पेज फॉल्ट हुआ तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक दिया जाएगा, सिग्नल्स ओएस को भेज दिया जाएगा उस पेज फॉल्ट के लिए। तो ओएस वो रिक्वायर्ड पेज को सर्च करेगा कहां? एलएएस में। उसके बाद वो पेज लिया जाएगा एलएएस से पीएएस पे। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अगर मेरा फ्रेम खाली पड़ा है तो डायरेक्टली वी रिप्लेस, यस या नो? यस सर। और अगर पेज खाली नहीं है तो अपन क्या करेंगे? सर ये रिप्लेसमेंट एल्गो। यस, यानी मान लीजिए आपके चार पेज, फ्रेम साइज थी चार या तीन थी, ये तीनों भरे हुए हैं, तो आप क्या यूज करोगे? किसको हटाऊं कि बुरा भी ना लगे? तो कुछ एल्गोरिदम सेट ऑफ रूल्स पे जाऊंगा, नहीं जाऊंगा? रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज। और जैसे पेज रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद पेज टेबल अपडेट कर देंगे कि कौन से वाले पे किस पोजीशन पे लोड कराया है, हाँ या ना? यस सर। और उसके बाद सिग्नल भेज दिया जाएगा सीपीयू को कि बस प्रोग्राम कंटिन्यू करो। ये सारे ताम झाम में जो लगा समय है वो क्या कहलाता है? पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद लगता है ये कंप्यूटर कितना वर्क करता है, बड़ा मेहनती बच्चा है वो। वही तो, अपन और अपन आलसी है ना। अपन बटन दबाए जाते हैं सर बस, और नहीं भी होता तो दोबारा बटन दबाते रहेंगे पढ़े कितना भी नहीं पढ़ेंगे कि नोटिफिकेशन क्या आ रहा है, अलर्ट क्या आ रहा है कि भाई प्रिंटर का केबल कनेक्ट नहीं है, दोबारा प्रिंट कमांड दे देंगे चार बार। जब भी पेज फॉल्ट अकर होगा तो ये सारी अबो वाली स्टेप्स फॉलो होगी, ठीक है? मान लीजिए मेमोरी एक्सेस टाइम है एम, कितना? एम, जितना मेमोरी में मिल रहा है। और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है एस, और पेज फॉल्ट रेट है पी, तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो जाएगा प्यारे? जितनी बार भी पेज फॉल्ट हुआ उतनी बार सर्विस दूंगा, हाँ बोलो? और जितनी बार भी पेज फॉल्ट नहीं हुआ डायरेक्टली मेमोरी में जाएंगे। क्लियर बच्चा? इस क्वेश्चन को सोल्व करें। यस सर। सॉलिड।
यस व्हाट इज द आंसर यार ओनली 3 बच्चे ने आंसर दिया है व्हाट अबाउट अदर्स बेटा यार ऐसा मत करो यार बच्चों आ गई बात समझ में बेटा 65.35 यार ये भी आंसर तुम्हारे से नहीं आएगा क्या बेटा आ गया सर कहाँ आ गया यार काफी बच्चों को तो आया भी नहीं आंसर आ गया सर लिखने का आंसर ये भाई पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा रखा है इधर बस और कुछ नहीं है यार लिख भी दिया भाई कुछ एक तो इतने आलसी है ना सोच रहे होंगे अभी आधे घंटे में सर 10 मिनट में 5 मिनट में लिख ही देंगे क्यों लिखे अपन दिखाई देंगे ये पीडीएफ तो आई अपने पास सर आप दिल की बातें पकड़ लेते सर का क्या काम है बोलने का है बोलने दो और क्या है अपन को भी भगवान ने दो कान दिए एक से सुनो एक से निकालो और क्या है सर जब पूछे कैसा चल रहा है बोला सर एक नंबर बढ़िया एकदम एक नंबर सर चल रहा बढ़िया एक नंबर यस कीजिए बच्चों देखो डर्टी बिट आपका किस लिए काम में आता है आपका पेज मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ हाँ या ना रीड राइट हेड ये जब आपका पेज इनिशियलाइज करते हैं रेफरेंस कितनी बार पेज यूज कर चुके हो कितनी बार नहीं कर चुके हो वैलिड इनवैलिड ये सारे बिट्स वाले चीजें हैं समझ में आ गई बात बता भी रखा है रेफरेंस क्या है किस लिए आता है काम में क्लियर ये वाला कीजिए Yes, what is the answer? D. देखो बच्चों पहली चीज लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनल नो पी बाई टू होता है एक्सटर्नल होता ही नहीं है लार्ज मेमोरी ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग द पेज टेबल लार्ज कंप्यूटेशन ओवरहेड ट्रांसलेशन प्रोसेस मेमोरी ओवरहेड मल्टी लेवल पेजिंग क्यों करते हैं बिकॉज लार्ज पेज टेबल को मेंटेन करना ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है तो लार्ज मेमोरी ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग द पेज टेबल क्लियर यस सर नेक्स्ट वर्चुअल मेमोरी क्या होती है प्रोग्राम लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी कैन बी रन ये वाला करो जल्दी से करो ये आपको पता है गेट का ये गेट में आया इसरो में भी आया क्या ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है इसरो कॉपी पेस्ट एंड ये गैल्विन का जब आपने डिमांड पेजिंग पढ़ी होगी ना उसमें दो पेज होते हैं एक तो लेफ्ट पेज एक राइट पेज में इधर एक एग्जाम्पल दे रखा है ये का ये एग्जाम्पल दे रखा है अब सोच लो आप
यस बच्चों, व्हाट इज द आंसर? लिसन, 30 इज द राइट आंसर. देखो बच्चों, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम दे रखा 10 मिलीसेकंड, ठीक है, यस या नो. और मेमोरी एक्सेस टाइम दे रखा है 20 नैनो सेकंड. तो ये 10 मिलीसेकंड को कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 × 10⁻³ सेकंड, 10 × 10⁻³ सेकंड, और नैनो में करना है तो 10⁻⁹ से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका 10 × 10⁶ नैनो सेकंड. क्लियर? यस सर. पेज फॉल्ट रेट हो गई 1/10⁶. 1 पेज फॉल्ट इज जनरेट ना फॉर एवरी 10⁶ मेमोरी एक्सेस. यस सर. बेटा ये क्वेश्चन कल भी कर लिए थे या नहीं हो पाए थे? हो गया था सर. तो भी आंसर कुछ ही नहीं दे रहे तुम लोग के. सर हमने अपना कर लिया, आप अपना देखो. है ऐसा तो नहीं है? दे रखा है. नहीं, सब बच्चे नहीं दे रहे ना. 20 नैनो सेकंड, ये तो डायरेक्ट नैनो को नैनो में रहने दो. इससे इसमें हो गया, ये नेगलिजिबल होगा. तो 10 + 20 = 30 नैनो सेकंड. क्लियर है बच्चों? यस सर. ये वाला कीजिए, ये वाला कीजिए. कुछ क्वेश्चंस और दूं मैं, करके लाओगे? क्वेश्चन विद सॉल्यूशन देता हूं ना. यस. यानी कुछ और पीडीएफ मेरी खुद की बनाई हुई भी है, वो भी देता हूं तुम्हारे को. हैंड रिटन है नहीं वो. इसमें भाई गेट के तो है ही है ना. हैंड रिटन भी विद सॉल्यूशन भी बना रखे मैंने. यानी कुछ क्वेश्चन आप कर भी चुके हो, ऐसी बात नहीं है. मिले? यस सर. तो 3 है. 4 दे दी ना सर. 4 है. 4 दी है. 4 है सर. आ गई 4 वाली भी. आ ये सारे क्वेश्चन करके लाना है यार, समझ रहे हो बात? यस सर. पांचवी भी भेज दी है, ठीक है. यस सर. ये लो बच्चों, कम से कम 150 रन हो जाएंगे तुम्हारे, कम से कम 150 क्वेश्चंस कर पाओगे ना? यस सर. यस सर. इसका आंसर बताओ. यस. क्या कह रहे हो? दो बार भेजी क्या लास्ट वाली? हाँ, दो और भेजी है. टोटल जो आपने अब भी भेजी है पीडीएफ उनको मिला के 150. हाँ. उनमें ही बस इनो में 150. अरे करते रहना यार, आप तो बहुत भेजी मैंने, टेंशन मत लो, ठीक है. जिसमें बताऊं पहले हैंड रिटन वाली बाद में करना, 1, 2, 3, 4 वाली बाद में करना आप, ठीक है. क्लियर? यस सर. इसका आंसर दो, क्या आ रहा है?
इसका आंसर दो क्या आ रहा है? गलत गलत गलत। देखो बच्चों ये लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई देखो इसके दो क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट में भी आया हुआ है, इसरो में भी आया हुआ है, कि जहां भी पेज फॉल्ट हो रहा है वहां से लेके 99 तक और ऐड कर दिए जा रहे हैं। यानी 100 पे पेज फॉल्ट हुआ तो इसमें कहां से कहां तक लोड करा दिए गए? 100 से 199 तक। हाँ या ना? 200 पे पेज फॉल्ट होगा तो 200 से 299 तक लोड हो गए। 430 पे पेज फॉल्ट हुआ तो 430 से 529 तक का लोड हो गया। 499 पे क्या मिलेगा? हिट। 510 पे क्या मिलेगा? हिट। 530 पे क्या मिला पेज फॉल्ट? तो 530 से 629 तक, 629 तक लोड करा दिए गए। 560 पे क्या मिला? हिट। हाँ बोलो। 120 पे क्या मिला? मिस। तो 120 से 219 तक। 220 पे भी क्या मिला? मिस। तो 220 से 319 तक। यस या नो? 240 पे हिट, 260 पे हिट, 320 पे मिस। मिस। तो 410 पे भी हिट। यस या नो? एक दो तीन चार पांच छह सात, सात। समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। राइट डाउन इन ईच एंड एवरीवन। क्लियर? यस सर। यस, ये वाला क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। ये भी गेट का क्वेश्चन है बेटा, कीजिए जल्दी से। गेट का क्वेश्चन है, कीजिए। ये उस पीडीएफ में से लिया हुआ है, कीजिए। ये क्वेश्चंस वाले सारी पीडीएफ करके लाना बेटा, तुम मजा आ जाएगा। Yes, जल्दी करो, जल्दी करो, ये वाला क्वेश्चन भी जल्दी करो, फिर मेरे को पेज रिप्लेसमेंट सिखानी है। बेटा आंसर प्लीज। देखो क्या बोल रहा है, सुनिएगा। इंस्ट्रक्शन टेक आई माइक्रोसेकंड, यानी मेमोरी एक्सेस कितना है? आई। और पेज फॉल्ट टेक एडिशनल जे, पेज फॉल्ट टेक एडिशनल जे, ओके। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इफ एवरी पेज फॉल्ट इज जनरेट फॉर के इंस्ट्रक्शन, यानी व्हाट इज द पेज फॉल्ट रेट? 1/k। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज व्हाट? पी इनटू एस, और जितनी बार पेज फॉल्ट नहीं हुआ डायरेक्ट मेमोरी, तो 1/k आई प्लस जे, 1/(1-k) आई, आई बाई के प्लस जे बाई के प्लस आई माइनस आई बाई के, इससे ये कैंसिल। व्हाट इज द आंसर? आई प्लस जे बाई के। बेटा सी नहीं, ए आंसर है। क्लियर है सभी बच्चों का? Yes, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? नो सर। ये मैंने अपने हाथ से लिख रखा है, ये अभी मैं करा रहा हूँ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ। Yes, पेज रिप्लेसमेंट वाली पीडीएफ नहीं आई। ये नहीं आई थी? नो सर। तो ये देनी भी नहीं है, पढ़ेंगे अभी अपन, भेज दूंगा चल, ठीक है। एक बार ये डेटा का फोटो खींचो, खींचा?
है ना, इसका तो फोटो खेल लो आप पहले। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती क्या बेटा, यानी पेज रेफरेंस स्ट्रिंग क्या होती है, सेट ऑफ सक्सेसफुली रेफर यूनिक पेजेस, है ना, दैट इज कॉल्ड पेज रेफरेंस स्ट्रिंग, यानी जो पेज नंबर यूज किए जा रहे हैं। दो होती है फीफो एलआरयू और तीन होती है फीफो एलआरयू एंड ऑप्टिमल, ठीक है। फीफो में एक एक्सेप्शनल केस होता है बिलेडी एनोमली, बिलेडी एनोमली, फोटो खेल लेना बेटा, बिलेडी एनोमली, ठीक है। ये क्या होता है भी बताऊंगा, ये एलआरयू वेलआरयू है, बिलेडी एनोमली क्या होता है, एक्सेप्शनल केस है फीफो का। ये क्या बोलता है कि जब आप फ्रेम साइज बढ़ाओगे, एक बार बताओ यार, जब आप नंबर ऑफ चेयर बढ़ा दोगे तो स्वैपिंग कम होगी ना, अरे ज्यादा जने बैठ पाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो जब मैं फ्रेम साइज बढ़ा दूंगा तो पेज फॉल्ट कम आने चाहिए, लेकिन बिलेडी एनोमली क्या बोलता है, एक्सेप्शनल का मतलब तो समझ में आता ही है, एक्सेप्शनल वही बच्चा होता है जो मास बंक पे जाके बैठता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस ऑफ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, इट स्टेट दैट व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स देन पेज फॉल्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, इट इज नॉट अप्लाइड फॉर ऑल स्ट्रिंग, इट इज अप्लाइड ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग अंडर फीफो पेज रिप्लेसमेंट। बेटा ये क्वेश्चन गेट में तीन बार पूछा गया है कि बी लेडी कौन सा एल्गोरिदम में होता है, या वो कौन सा केस है जिसमें नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ा देते तो पेज फॉल्ट बढ़ जाते हैं, है ना, बी लेडी होता है वो ओनली फीफो में होता है, ठीक है। अब मुझे पता आप पूछ रहे फीफो क्या होता है, मनी मन मैं बताऊंगा, 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5, या इस फॉर्मेट में ले लो, ए बी सी डी ए बी ई ए बी सी डी ई। जब फ्रेम साइज तीन लोगे, आप अपने कर कमलों के द्वारा घर पे करोगे तो आपके पेज फॉल्ट आएंगे 9, और चार लेने पे कितने आएंगे बेटा, 10, कितने आएंगे 10, समझ में आई, यस या नो? यस सर। करके लाओगे? यस सर। सारी ऊपर थोड़ा मैं कराऊं पहले पेज फॉल्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ताकि आप घर से क्वेश्चन कर पाओ इसके भी सारे। हां सर बिल्कुल, है ना, एक बार ये स्ट्रिंग बोल दो दोबारा से तुम सब बच्चा, मतलब ये है कि जो तुमने अभी फोटो खींची थी ना उसकी स्ट्रिंग बता दो, नंबर क्या था, 701 सर मैं फोन से ज्वाइन हूँ, बाकी और कोई, चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है करा देता हूँ बेटा, ये तो रेफरेंस ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे नहीं तो तुम सारे। 701 20 थोड़ा जगह जगह छोड़ के करता हूँ, 701 20 20 30 तीन तीन बोल बेटा यार, 304 थ्री, अरे 30 तो हो गया ना, 423 0 3 2 0 3 2 1 2 0 1 2 0 1 7 0 1 7 0 1 1। सुने बच्चों, अब अपना काम स्टार्ट हो जाता, पुट योर पेन डाउन एंड लिसन केयरफुली एंड लिसन केयरफुली। वॉट बेटा सुनिएगा, यहाँ मेरी फ्रेम साइज कितनी है, 3, कितनी है 3, और मैं पूछ रहा हूँ फीफो, फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है सीखिएगा। तो पहले पेज फोल्ड का मतलब है किसी पेज का डिब्बे में नहीं मिलना, तो तीन पेज फोल्ड तो जेन्युइन है, इधर खाली रहेगा डब्बा, अरे हाँ या ना? Yes, अब देखो 2 पे पेज फोल्ड आया, हाँ 2 पे पेज फॉल्ट आया तो कौन सा हटेगा, जो पहले आया था, किस पोजीशन का डेटा पहले आया था, 7 का, तो 201 इस पे पेज फॉल्ट होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ ये पड़ा है, और कहीं भी हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, होना चाहिए बस, समझ रहे हो बात, अरे क्लास में बैठा होना चाहिए, नालायक ये नहीं कि फर्स्ट बेंच पे बैठा हो, समझ में आ गई बात? यस सर। 3 पे पेज फॉल्ट है, किसको हटाएंगे, 0 को 7 के बाद 0 वाला, ये मत बोलना 0 वाला अपडेट हुआ है अभी, ऐसे ज्ञान मत देना, मत देना ज्ञान, अच्छा 2 3 1, बुरा मत मानना मेरे शब्दों का, समझो बस जल्दी से, है ना, हाँ, और मानो तो फिर मान ही लेना, है ना। इधर देखो 3 पे पेज फॉल्ट हुआ तो कौन सा हटेगा, 0 वाला, 0 पे पेज फॉल्ट हुआ कौन सा हटेगा,
वाला पता हो इसमें ये चीज पास कराती बीटेक में फोर पे पेज फोल्ड हुआ तो कौन सा हटेगा टू पे पेज फोल्ड हुआ तो थ्री जीरो और इस पे जीरो और जीरो पे फोर क्लियर इस पे हिट इस पे हिट वन पे पेज फोल्ड हुआ तो कौन हटेगा दूसरा तीन अब टू पे पेज फोल्ड हुआ तो थ्री इस पे हिट सेवन पे पेज फोल्ड हुआ तो कौन हटेगा जीरो और इस पे पहला एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह टोटल पेज फोल्ड कितने आ रहे हैं फीफो से 15 बच्चों जब बच्चा और लास्ट एग्जाम से एक दिन पहले वन नाइट फाइट करता उसको समझ में नहीं आता ना तो ये रट भी लेता है कोई अपना जोगाड़ लगाता तो भी 15 ही आते हैं यानी वही बात ध्यान रखना 2+2 वाला सेतन समझ में आ रही बेटा बात यस सर कोइंसिडेंस हां बस और देखो कई बच्चे तो सब में बना देते हैं नीचे स्टार बना देते हैं जहां पेज फॉल्ट आ रहा है लोकल बुक इवन आपका शिवानी पब्लिकेशन भी ऐसे ही करता होगा लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है जहां पेज फॉल्ट हो वहीं डब्बा बनाएंगे नहीं तो खाली छोड़ दो ठीक है यहाँ तक क्लियर है yes, sir. जल्दी से उतार लीजिए स्क्रीनशॉट यस सर सर ये यूज नहीं करते होंगे ना लेकिन सारे यूज होते हैं एग्जाम में दो दो मार्क्स के आते हैं सारे सिंपल सी बात प्रैक्टिकल में हाँ क्योंकि इसमें तो 15 आ गए इतनी सी चीजों में ऑप्टिमल में कम आते ऑप्टिमल यूज ही नहीं करते तेरे को पता कल क्या होना है अपने साथ नहीं पता ना मुझे भी नहीं पता यही ऑप्टिमल है चेतन ये देखना स्ट्रिंग सही है क्या ऑप्टिमल क्या बोलता है रिप्लेस द पेज That will not be used in future for longest period of time. Use तो होगा जो use नहीं हुआ है longest period में यानी last in first occurrence shortcut में समझा दूं yes sir सुनिएगा बच्चों करें start yes sir देखो seven zero क्लियर अब टू पे पेज फॉल्ट हुआ तो अपन क्या करेंगे जहां पेज फॉल्ट हो रहा है क्या बता देंगे अरे यार सुना करो माहौल बना दिया करो भाई जहां पेज फॉल्ट हो रहा है जहां पेज फॉल्ट हो रहा है उसके आगे देखेंगे क्या देखेंगे 701 में लास्ट कौन आ रहा है बताओ कौन आ रहा है सेवन आ रहा है लास्ट कौन आ रहा है वन ये जीरो वाला कौन था भाई ये जीरो वाला कौन था सेवन समझ में आता है वन समझ में आता है ये जीरो वाला कौन था उसका क्या लॉजिक है भैया है बेटा कौन था सही से बता रहा चलो मत बताओ प्राइवेटली लिख देना कोई गलत हाँ मुझे भी पता है आवाज तो गल के लगी प्राइवेटली लिख दीजिए ना अच्छा सर मैं था ठीक है लेकिन उसमें कोई जाकिर खान का डायलॉग याद आ गया तुझमें काहे का एटीट्यूड पे याद है तुम बोले यार जीरो कहां से आ गया भाई यानी वो एटीट्यूड से मत लेना कहने का मतलब है भाई जीरो कहां से आ रहा आपको कहां से दिख गया जीरो यार बेटा अब मुझे ये पता है वो बहादुर गल लिखेगी भी नहीं कि मैं थी या था जो भी था है ना क्योंकि देखो भाई हो सकता है वो बॉय भी हो क्योंकि फेसबुक इसका प्रमाण है देखे देखे बच्चों टू पे पेज फोल्ड था वैसे बच्चा था कौन प्लीज बताइए मुझे प्राइवेटली मैं नाम नहीं बोलूंगा पक्का इतना तो विश्वास करके अपने बड़े भाई पे देखे टू पे आपका पेज फोल्ड आया तो अपन क्या करेंगे 701 में से 701 में से तीनों में लास्ट कौन आ रहा है आप बोलोगे सर लास्ट वन आ रहा है नहीं बच्चों आप ऐसे नहीं देखेंगे लास्ट इन फर्स्ट अकरेंस का मतलब ओके लास्ट इन फर्स्ट अकरेंस का मतलब है
पहली बार सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, पहली बार सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। इसका मतलब कैसे है समझना बेटा, मान लीजिए आप तीन जनों से मिल रहे हो एक्स वाई जेड से, ठीक है, इन तीनों से आप हजार हजार बार मिल रहे हो, हजार 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 बार, ठीक है, वो मैटर नहीं कर रहा, इन तीनों में से पहली बार सबसे लास्ट में किससे मिले, समझ में आ गई बात? यस सर। जैसे जीरो से मिलते गए, फिर मिल गया नालायक, फिर मिल गया, फिर मिल गया, फिर वन मिला, फिर जीरो मिला, वन मिला, फिर सेवन मिला, फिर जीरो मिला, फिर वन मिला, लेकिन इन तीनों में यूनिक यूनिक पहली बार लास्ट में कौन आ रहा है, पहले जीरो आ रहा है, फिर वन आ रहा है, फिर सेवन आ रहा है, तो कौन सा रिप्लेस होगा प्यारे? सेवन। सेवन। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। इशिता क्लियर है? माधवी, जानवी क्लियर है बेटा? देखो अब जीरो पे क्या हो जाएगा, हिट, थ्री पे मिस, रहा है ना? यस सर। तो इन जहां पे इस फोल्डर उसके, टू जीरो वन, किसमें से देखना है, इनों में से कौन आ रहा है, पहले जीरो आया फिर टू आया, तो लास्ट कौन हुआ? वन। कौन हुआ? वन। अब आप बोलोगे सर वन तो मिला ही नहीं, मान लो, अरे तो दो आ गए ना, तो तीसरा ही लास्ट है, अरे तीन जने खिंच दौड़ रहे थे, एक जना फर्स्ट एक जना सेकंड, तो बचा वो कौन है, जो भी रमेश सुरेश है वो कौन है, लास्ट है। जीरो पे हिट, फोर पे पेज फोल्ड, टू जीरो थ्री में देखो पहले कौन आ रहा है, टू फिर थ्री फिर जीरो, जीरो की जगह क्या जाएगा, फोर। आ गई बात समझ में? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। और यहीं से ही मेरी गाड़ी करवट मार जाती है, यहीं से मेरा यूटर्न स्टार्ट। अब देखो टू पे हिट, थ्री पे हिट, हाँ बोलो। यस सर। टू प्रेजेंट है, थ्री प्रेजेंट है, कहीं भी हो, जीरो पे मिस, क्या देखूंगा, टू फोर थ्री में, पहले थ्री मिला फिर टू मिला, फोर की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। थ्री पे हिट, टू पे हिट, वन पे क्या देखूंगा, टू जीरो थ्री में, टू मिला, जीरो मिला, क्या नहीं मिला, थ्री नहीं मिला, यानी थ्री ही लास्ट है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो टू पे हिट, जीरो पे हिट, वन पे हिट, इस पे पेज फॉल्ट हुआ, क्या देखूंगा, टू जीरो वन में क्या रिप्लेस कर दूंगा, टू टू, यहाँ हिट, यहाँ हिट, पेज फॉल्ट पूछता, हिट कभी नहीं पूछता, ध्यान रखना। चार पांच छह सात आठ नौ, नौ हो गए क्या पेज फॉल्ट, नो पेज फॉल्ट्स। चीज समझ में आई प्यारे बच्चों, हाँ या ना? एकदम। अब देखो तुम गैल्विन पढ़ते हो, गैल्विन ने एक चीज बोली तुम वो भूल गए, लेकिन सब चीजें याद रह जाती है। फीफो में कितने आए थे, 15, है ना, उसमें से तीन तो सब में ही है, कितने बचे, 12, और इसमें 6, तो कभी ये रिलेशन मत बना देना कि फीफो में ऑप्टिमल से जस्ट डबल होते हैं। गैल्विन ने बोला है कि फीफो में ऑप्टिमल से डबल हो रहे हैं, अगर मैं तीन पेज फोल्ड, तो जेन्युइन है यार, कोई भी आओ, चाहे सचिन तेंदुलकर आओ, चाहे कोई भी आओ, जीरो ओवर है, स्टार्ट से खेलना ही पड़ेगा भाई, हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आ रही है बात? तो उसने ये बोला है, पहले एक लाइन डाल दी इन दिस स्ट्रिंग कि फीफो हैज एग्जैक्ट डबल ऑफ द ऑप्टिमल, और बच्चा आधा अधूरा ज्ञान सुनता है, ओनली नहीं सुनता है, दिस स्ट्रिंग नहीं सुनता है, दिस एग्जांपल नहीं सुनता है, और एकदम लड़ने बैठ जाता है कि नहीं सर फीफो में तो डबल होते हैं, बोला बता, बोला सर देखो माइनस करो, फिर दूसरा एग्जाम्पल लोगे वही वाली बात, टू प्लस टू, टू थ्री मल्टीप्लाई टू, समझ गए बात? यस सर। क्लियर है? यानी ओनली इस स्ट्रिंग के लिए, ओनली इस स्ट्रिंग के लिए फीफो में ऑप्टिमल से डबल हो रहे हैं, पर वो ऐसे याद नहीं करना है आपको। हाँ आई एग्रीड कि फीफो में पेज फॉल्ट कम होते हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन, इसमें ऑप्टिमल में, यस सॉरी, ऑप्टिमल में फीफो से पेज रिप्लेसमेंट में पेज फॉल्ट कम होते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी टफ रहता है। क्यों टफ रहता है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई, नहीं समझे बात? मोदी जी ने देखा, तुम्हें नालायक हो गए। सुनो, बिकॉज इन दिस वी हैव द नॉलेज ऑफ, वी हैव टू बी नॉलेज ऑफ ऑल फ्यूचर रेफरेंस स्ट्रिंग। क्लियर बच्चों? Yes, समझ में आ गया?
Yes, sir. अब ऑप्टिमल मैं कराऊंगा या आप करोगे और एलआरयू लेंगे तो आप ही करोगे. लीस्ट रिसेंटली यूज, मैं ओनली समझाऊंगा इसमें कैसे करना है. इसी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, इसमें आपके आएंगे उसमें 12 पेज फोल्ड. कितने आएंगे बेटा? टोटल मिला के ना 12 से 3 12, वो 3 तो मैं काउंट ही नहीं करता. यानी समझे बात, यानी ये 15 है, ये 9 है, उसमें 12 आएंगे. ये 3 भी ना घटाओ मत, ये गरीबी मत दिखाओ कि सर ये तो काउंट. ये तो उसने उसका एनालिसिस समझा रखा था कि परफॉर्मेंस किसकी बढ़िया होती है. फिर उसने बोल भी दिया तुरंत अगली लाइन में, ऑप्टिमल मेरे बस की भी नहीं है क्योंकि अपन को भी नहीं पता भी 9:31 हो रहे हैं तो 9:50 पे अपने साथ क्या होने वाला है और 2 बजे पेपर में क्या होगा, अपन को भी नहीं पता है. और बेस्ट ऑफ लक सबको पेपर के लिए, ठीक है? गूगल बस शटडाउन ना हो जाए. है गूगल ना शटडाउन हो जाए, बस इतना दुआ रखेंगे. ना ना ना, एक ही दिन तो हुआ था, वो भी थोड़ी सी देर के लिए हुआ था, शाम को भी 2-4 दिन पहले. $7 billion का नुकसान हुआ था 20 मिनट में. $7 billion क्यों सर? सर गूगल की मेजर सर्विसेज बंद थी, यूट्यूब बंद था, जीमेल बंद था, बस सर्च इंजन चालू था सर. अच्छा, अब देखो 20 मिनट में $7 billion. यस, कल क्लास है, कल की क्लास है मॉर्निंग में, कल अपन फिनिश कर लेंगे. अब अपना ओनली फाइल सिस्टम डिस्क शेड्यूलिंग वाला टॉपिक है, बहुत ईजी है, वो कर लेंगे अपन, डोंट वरी रो. लेकिन वो जब ही हो पाएगा इशिता, जब आप ये सारे क्वेश्चन कर लाओगे, है ना? हाँ, वो भी है, जब आप सारे क्वेश्चन ये कर लाओगे, ठीक है? अब सुनो, नेक्स्ट सुनिए, एलआरयू में कैसे करते हैं. ऑप्टिमल में क्या होता है, जहां पेज फॉल्ट होता है वहां फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं. क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं. अरे हाँ या ना? और एलआरयू में जहां भी पेज फॉल्ट होगा, जहां भी पेज फॉल्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पेज फॉल्ट हुआ, तो उससे लीस्ट रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे. और क्या देखेंगे कि इन तीनों में लास्ट में कौन यूज आ रहा है. अरे आपके 3 दोस्त हैं, रमेश, सुरेश और गणेश, या रमेश, सुरेश और महेश, 3 दोस्त हैं, कोई भी एक्स वाई और जेड, और तीनों से आप 1000-1000 बार मिल चुके हैं, परेशान हो गए, बोले चेहरा मत दिखा, फिर भी दिखा देते हैं दोनों तीनों, ठीक है? समझना. लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहली बार लास्ट में किससे मिले, समझ रहे हो? अरे कहने का मतलब है आपको रिवर्स में जाना है, जैसे मैं इधर झलक दिखा देता हूं उसकी, देखिए यहां पेज फॉल्ट हुआ, येलो पेन से दिखा रहा हूं, तो कौन लास्ट में आ रहा है? 7. 7 की जगह क्या आ जाएगा? 201. 0 पे हिट, 3 पे पेज फॉल्ट हुआ, तो क्या देखूंगा? 201 में लास्ट कौन आ रहा है. पहले 0 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, तो कौन हटेगा? 1 हटेगा. ये नहीं कि सर 0 आ रहा लास्ट में, नहीं, पहली बार सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, पहली बार सबसे लास्ट में कौन आ रहा है. फिर 0 पे हिट, 4 पे मिस हुआ, तो क्या देखूंगा? 203 में, 0 3 देन 2, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा? 4. अब आप देख रहे हो डिफरेंस इसमें और इसमें, तो यहीं से आपका चेंजेज स्टार्ट हो जाएगा बस. तो और आपके पेज फॉल्ट आ जाएंगे 12. कितने आ जाएंगे? 12 बच्चा. क्लियर है सभी बच्चों को? यस या नो? वो क्या बोलता है, जब आप फ्रेम साइज जैसे लोगे 1 2 3 4, ये मैंने तो याद कर रखी है, 1 2 5, 1 2 3 4 5, आप इसी पैटर्न पे कुछ भी बना लो, लाइक ABCD, ABE, ABCDE, या PQRS, PQT, PQRST, कुछ भी बना लो. जब आप फ्रेम साइज, व्हाट बेटा? क्या बच्चों? फ्रेम साइज 3 लोगे तो पेज फॉल्ट कितने आएंगे? 9. और जब आप फ्रेम साइज 4 लोगे तो आपके पेज फॉल्ट आ जाएंगे 10. कितने आ जाएंगे बच्चों? 10. और ये ओनली फीफो में ही अप्लाई होगा, और ओनली पर्टिकुलर स्ट्रिंग फीफो एंड ओनली ऑन एक्सक्लूसिव, एक तरह से पर्टिकुलर स्ट्रिंग, नॉट फॉर एवरी स्ट्रिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब बच्चों को समझ में आ गया है? Yes, sir.
क्लियर है बच्चों कि ये आपकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे ही अप्लाई होगा, सब पे नहीं होगा। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। क्या हो गया बेटा? पेज रिप्लेसमेंट पीडीएफ भेज दीजिए। अरे यार इसका स्क्रीनशॉट ले, खुद से मेहनत कर बेटा। ये फोकट के दो मार्क्स है, इसलिए नहीं भेजी मैंने कल भी। ये मैंने बनाई नहीं रखी है, ये देख इसमें भी एलआरयू हो रखी है, देख फीफो करके भी इरेज कर दी थी। बच्चों को स्क्रीनशॉट बोलता हूँ, खुद से करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि फोकट के दो दो मार्क्स है, आजकल फैशन में चल रही है, ट्रेंड्स में, ट्रेंडिंग में आजकल ये। और देखो एलआरयू का ये रहा, तुम्हारा एलआरयू भी हो गया। लो भाई अगर गलत आए तो मैच कर लेना रिवर्स डायरेक्शन वाला। फीफो मैंने कराई दिया है, ऑप्टिमल मैंने कराई दिया है। ये रहा फीफो, क्लियर बच्चों? यस सर। ये लीजिए, बेलेडी एनोमली। ये बेलेडी एनोमली बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार, इवन इंटरव्यूज के पेपर में भी आ गई, इसरो में भी आ गई, क्योंकि इजी नहीं है, यानी यूनिक चीज है, भूल जाता है इंसान। जी सर आपने इतनी बार बता दिया, अब तो याद ही हो गई हो। नाम भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे तुम। सर उसका नाम भी सर अच्छा है ना, वो बी लेडी। तो भाई अब आपको एक टास्क देके जा रहा हूँ, जितने भी गेट क्वेश्चन है सारे करना, ओनली मल्टी लेवल पेजिंग है जो मैं कल कराऊंगा, और फाइल सिस्टम डिक्शनरी वाला टॉपिक। और कल अपनी लास्ट क्लास है, कल 7:30 बजे मिलेंगे अपन, कल अपना फेयरवेल है। ओके ठीक है, ये उतार लो जल्दी से, उतार लो सर। फेयरवेल में पार्टी भी रखी है आप? हाँ वर्चुअल 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 समोसे खाएंगे अपन। इतना शानदार सफर रहा अपना, ये तो है। लिटरली 28 सितंबर से लगे हुए हैं शायद अपन, है 28 सितंबर से मॉर्निंग की नींद आराम कर रखी है तुमने, मेरी मैंने तुम्हारी, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना, अपन दोनों जल्दी उठे हाँ ठीक है बच्चों। ये सारे गेट क्वेश्चन जो मैंने आपको, सारे गेट क्वेश्चन करके लाना यार, आप में अपना भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो यार कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा चीजें कराने की, है ना, प्लीज करके लाना ठीक है। ओके yes. okay, बच्चों थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इशिता, जानवी, सिंगल, आराव, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय। कोई डाउट है अभी तक की क्लास का? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो सर। तो प्लीज ये पीडीएफ लगाना और मल्टी लेवल पेजिंग पढ़ के जरूर आना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कब तक करते, जैसे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग की थी ना, वही मल्टी लेवल पेजिंग का कंसेप्ट है, जब तक कि एक में फिट नहीं हो जाते, एक में फिट नहीं हो जाते, समझ रहे हो बात? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। प्लीज ये सारी पीडीएफ करके लाना, चाहे मेरी हैंड रिटन वाली मत करना, उसमें तो सॉल्यूशन भी दे रखे मैंने हैंड रिटन, लेकिन जो गेट के क्वेश्चंस वाली पीडीएफ मैंने आपको दी है वो सारी करके लाना प्लीज। दो तीन दिए ना ओएस क्वेश्चन, ओएस क्वेश्चन फाइनल, उसमें आधे तो उसके ही है, मल्टी लेवल पेजिंग के ही है, मल्टी लेवल पेजिंग क्या, वर्चुअल मेमोरी के काफी क्वेश्चन है, करके लाना है ना। सो थैंक यू एवरी वन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। Thank you. Thank you, बच्चा.